नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टीवी के प्रसिद्ध धारावाहिक सीरियल कृष्ण में कृष्ण के अवतार को निभाने वाले एक्टर सर्वदमन डी बैनर्जी की सफलता को देखेंगे। सर्वदमन बैनर्जी का जन्म 14 मार्च 1965 में उन्नाव जिले के मगरवारा गाँव उत्तर प्रदेश में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट एलोइसिस स्कूल कानपुर से की है और फिर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया है। उनकी पहली फिल्म आदि शंकराचार्य में उन्होंने आदि शंकरा का किरदार निभाया और उस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फ्यूचर फिल्म अवार्ड भी मिला और कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। पर दोस्तों, जब रामानंद सागर जी के सीरियल कृष्ण में उन्हें कृष्ण के किरदार के लिए चुना गया तो जैसे उनका जीवन ही बदल गया। दोस्तों, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी बताया है कि वह कृष्ण के किरदार के लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं थे, पर दोस्तों शायद भगवान भी यही चाहते थे कि वह ही कृष्ण का किरदार निभाए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने सीरियल में काम करने का सोचा और दोस्तों उनकी मेहनत और भगवान की अनुकंपा उन पर बनी और यह चैनल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, सर्वदमन जी ने बताया कि उन्होंने रामानंद सागर जी के कृष्ण के किरदार के प्रस्ताव को तुरंत ही नहीं चुना, बल्कि उन्होंने रामानंद सागर जी से 10 दिन का समय मांगा था। दोस्तों, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी बताया है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि वह कोई संकेत दें जिससे उन्हें पता चल सके कि वह कृष्ण के किरदार को निभा सकते हैं। दोस्तों, 10 दिन के समय में 8वें दिन जब वे ऑटो में डायरेक्टर वासु भट्टाचार्य जी के घर जा रहे थे, तब वे समुद्र की खूबसूरती को निहारते हुए निकल रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि समुद्र की लहरों के ऊपर भगवान कृष्ण जैसे नृत्य कर रहे हैं और यह देखकर वो हैरान रह गए और ऑटो में बेहोश होकर गिर गए। जैसे ही उन्हें होश आया, वे तुरंत ही उसी ऑटो में रामानंद सागर जी के घर गए और यह किरदार के लिए भी तैयार हो गए। दोस्तों, इस सीरियल के माध्यम से उन्होंने खूब ज़्यादा प्रसिद्धि कमाई और जहाँ भी वे जाती, लोग उन्हें श्री कृष्ण समझकर उनके पांव छूने लगते। दोस्तों, यह तो समय की बात थी। अभी वे सामाजिक कामों में मदद करते हैं और एक NGO भी चला रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।